से वेलकम बैक टू तड़का। ब्रेक से वापस आ गए हैं और इस वक्त हम आ गए हैं अपनी एक और रेसिपी की तरफ, जो बहुत ही मज़ेदार सा मीठा है। लेकिन चीज़ों को मैं सेट कर लूँ, फिर आपको बताती हूँ। वरू बन रहा है और वरू ये हमारे सुबह सिंध की एक डिश है जो बहुत ही मज़ेदार है। जैसे वहाँ के सादे सिंपल लोग होते हैं, ऐसे उनके मीठे भी सादे सिंपल से होते हैं लेकिन बहुत मज़े के होते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ, वरू बना रही हूँ, लेकिन पहले मैं क्या करूँ, ये चीज़ें सारी इसमें डाल दूँ। अच्छा, अभी मैं जिस तरह से बादाम पिस्ते वगैरह ये सब मैं सारे खो रही थी, मैं आपको बता दूँ, हम जब बाज़ार से लेते हैं तो आप देखते हैं एक स्टेपलर से, वो स्टेपलर की पिन उसमें लगी होती है। प्लीज़ उसको बहुत, आप जब भी इसको पैकेट्स को खोलें तो उसको बड़ी ध्यान से आप देखेंगे, वरना वो अक्सर ही होता है खानों के अंदर चली जाती है। और कई दफ़ा कई लोगों के ऐसा होता है कि निवाला चबाते हुए निकल आती हूँ, और उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ जो बाज़ार में, जिनके यहाँ से हम लोग ये मसाले वगैरह लेते हैं, तो प्लीज़ आप वो ना लगाया करें, आप धागे से लपेट लिया करें या फिर आप रबर बैंड लगा लिया करें, स्टेपलर से ना करा करें, वो बहुत ख़तरनाक है। इतनी छोटी सी पिन होती है और नज़र ही नहीं आती, वो उनके अंदर चली जाती है। तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ठीक है। नमकीन गोश्त एक नज़र मैं आपको दिखा देती हूँ, आप इसको देख लीजिएगा, ताकि फिर हम आ जाएँ वरू की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बिल्कुल एक कतरा भी मैंने इसमें पानी नहीं डाला था, सिर्फ इसके अंदर था गोश्त, इसके साथ इसके अंदर काली मिर्च, नमक, साथ में अदरक लहसुन, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको ढक दिया था और इसी पानी के अंदर ये फ़िलहाल ये गल रहा है। बाद में हमने इसको और चर्बी ऑयल और कुछ नहीं डालना, चर्बी चर्बी से ही गल जाएगा, इसको हम आखिर में भून लेंगे। और ये सिंपल सा था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वरू की तरफ और इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिएगा क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल करें। और एक बर्तन को हम ग्रीस कर लेंगे और उसके ऊपर हम डालेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ फातिमा है और नमरा है, उनको मैं सलाम कर देती हूँ, उन्होंने कहा मैं चले, और ज़ारा शेख भी है, सोया शेख, चले ठीक है। अच्छा चलें जी, वरू के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। इतनी देर में ट्रे को ग्रीस कर ली हूँ और वरू बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए आप देख लें। बादाम लेंगे 50 ग्राम, पिस्ते वो भी 50 ग्राम, 50 ग्राम काजू ले लेंगे, और खशखश है वो भी 50 ग्राम के लिए, खोपरा स्लाइस में कटा हुआ एक कप, चीनी एक कप है, और पिसी हुई इलायची हम लेंगे चौथाई चाय का चम्मच, ठीक है, और घी जो इस्तेमाल कर रहे हैं चार खाने के चम्मच। अच्छा, फिलहाल तो मैं इसके ऊपर ये लगा देती हूँ घी, ताकि ये आराम से हम निकाल लें। ट्रे को आप ग्रीस कर लीजिएगा और फिर हमने क्या करना है, बाकी चीज़ों को आप देख लीजिएगा। मैंने क्या करना है, पैन के अंदर जाएगी चीनी, ठीक है, ये चीनी है, इसके साथ घी, मक्खन भी आप ले सकते हैं, देखें चीनी और घी, चार खाने के चम्मच घी, ये हम रखेंगे मेल्ट करने के लिए। इसके अंदर जाएंगे ड्राई फ्रूट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स को आपने थोड़ा सा क्या कीजिएगा, चॉप कर लीजिएगा, ठीक है। ये मेरे पास नारियल है, इसको हम मोटा मोटा सा चॉप कर लेंगे। फटाफट आपने क्या करना है, इसको ट्रे में निकालना है और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसको फैला दीजिएगा। अच्छा, इसको पानी में भिगो लें तो बहुत जल्दी कट जाता है, लेकिन ये वजह ये है कि पानी में भिगो दूँगी तो फिर वो उसमें थोड़ा सा ये होगा कि पानी पानी आएगा तो ज़्यादा अच्छा ना लगेगा। जब तक वो मेल्ट हो रहा है, ये देखें इसके अंदर ये है मेरे पास पिस्ते, स्लाइस में कटिंग कर लें। खूब मज़ेदार था ये ड्राई फ्रूट वाला, ये मीठा होता है जो बहुत ही मज़ेदार लगता है। अच्छा, इसके अंदर ये मैं ब्राउन शुगर यहाँ रख लेती हूँ और इसके अंदर ये जाएंगे सारे ड्राई फ्रूट जो वरू हम बना रहे हैं, ये देखें, साथ में इसके अंदर काजू, बादाम, इलायची पाउडर, और जब तक चीनी और घी मेल्ट हो रहा है। अच्छा चलें जी, कैसर खान ने पूछा है कि 2 किलो की जितनी स्ट्रॉबेरी है हम उसको स्टॉक करना रखना चाह रहे हैं, तो हमें कितनी ही चीनी चाहिए होगी। 2 किलो स्ट्रॉबेरी है तो आप आधा किलो की जितनी चीनी ले लीजिएगा, बस आपने स्ट्रॉबेरी को 2 से 3 दफ़ा धोना है। धोने के बाद फिर आपने क्या करना है, उसके अंदर आप क्या कीजिएगा, स्ट्रॉबेरी की एक लेयर बर्तन में स्ट्रॉबेरी दे दीजिएगा, उसके ऊपर आपने चीनी छिड़क दें, फिर दूसरी स्ट्रॉबेरी की लेयर, फिर आपने चीनी छिड़क दें, इसी तरह आप करके आप फ्रीज़र में रख दीजिएगा। लेकिन जब पहले तो आप उसको फ्रिज में रखिएगा एक दिन, ताकि वो जरा सा उसका सिरप सा बन जाए, फिर आप फ्रीज़र में रख दीजिए या चाहे वैसे ही आप रख दीजिएगा, तो आप देखिएगा जब भी आप निकालेंगे बिल्कुल ताज़ी स्ट्रॉबेरी होंगी। अच्छा, ये देखिए मैं इस वक्त घी को और उसके साथ साथ मेरे पास ये चीनी है, इसको हम पका रहे हैं, साथ में इलायची पाउडर ये मैंने डाल दिया, इसके साथ मेरे पास खसखस है, ये हम इसमें डाल देंगे। इसको बहुत अच्छी तरह से धोना है, थोड़ी सी घी ली है मैंने अभी, धोई थी आपके सामने,
उनको यहाँ रख देते हैं बर्तन को, और ट्रे को आपने ग्रीस कर लेना है, ठीक है। ट्रे को ग्रीस कर लीजिएगा और इसको हमने इतना पकाना है कि चीनी जो है फटाफट घुल जाए। जब चीनी घुल जाएगी बिल्कुल इसका दाना नहीं रहेगा। तो ट्रे मैंने ग्रीस करके रखी है, ये आपके सामने, इसके अंदर हम डाल देंगे। ओए होए, अच्छा शोहा जफर हैं साई वास, उन्होंने कहा रिदास सिर्फ आपके शोज देखने के लिए हमने UPS लिया। चलें जी, थैंक यू सो मच, खुश रहें भाई, इसी ग्रेट हो। अच्छा, और जुलेखा है रखट वाला, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई शो को पसंद करने का। अच्छा ये देखें, इस तरह से मैं इसको सब चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ, और चीनी को ज़रा सा स्लो कर देंगे ताकि बिल्कुल लबे शीरी की फरमाइश आपकी बहुत जल्द पूरी होगी, हमारे प्लान में आ चुकी है इंशाल्लाह ताला। आपको देखेंगे कि आपकी रेसिपी, अब देखते हैं हम कौन सा वीक रखते हैं, ये नहीं हुआ लेकिन रेसिपीज चली गई हैं, ठीक है। मे बी कि अगला वीक हो, मे बी। चलें जी, थैंक यू जी। किसकी? अच्छा, चलें जी, रफ़ी की ज़्यादा है। रफ़ी आवाज़ सही नहीं आ रही मैं। अच्छा रसील भी ज़्यादा के भाई की बर्थडे है। चले मेरी तरफ़ से अली की, मेरी तरफ़ से, मेरी पूरी टीम की तरफ़ से बहुत बहुत उनको मुबारक। और आज हमारे एक और नेबर्स हैं, उनकी भी बर्थडे है, उन्होंने उनके भाभी की, भाई की, लेकिन मैं पूरा पेपर निकाल के उनको तफसील से बोलूँगी। लेकिन और अच्छा मदिया भादर है, उनकी भी बर्थडे है। चले मदिया जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा ये देखें, ये चीनी जो है इसकी घुल रही जा रही है, मेल्ट हो रही जा रही है। अभी थोड़ा सा हम इसको और रखेंगे ताकि और अच्छी तरह से। अच्छा घी इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि घी से जो होता है ना वो बाइंडिंग सी हो जाती है। अभी ये देखें, और इतनी देर में आप, आज का सवाल है उसका भी आप जवाब दे दें, ताकि आप चाह रहे हैं हमारा मसाला फूड मैगजीन करना। तो सिर्फ आज का जो हमारा सवाल है, सिंपल सा है सवाल हमारा, ये था कि कोई एक ऐसे ड्राई फ्रूट का नाम बता दें जो मतलब छिलका उतार के हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ये मेरे पास एक टेबल स्पून की इतनी ब्राउन शुगर थी, ये भी मैं इसी में डाल देती हूँ, ऐसी वेस्ट चली जाएगी, तो मैंने इसी के अंदर ही मिक्स कर दी है। अच्छा चले नाइट, मैं अभी आपको इमली की चटनी की आपने रेसिपी पूछी, मैं आपको बता देती हूँ, बहुत मज़े की होती है, और उसको आप बना के बॉटल में भर के रख लें तो काफ़ी दिनों चलेगी। आपने क्या करना है, एक कप की जितनी इमली ले लीजिएगा, एक कप तकरीबन आपने 100 ग्राम इमली ले लेनी है। इमली के अंदर आपने 4 ग्लास पानी डालें, और पानी डाल के इसको भिगो दीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको सारे उसके बीज निकाल लीजिएगा, बीज फेंक दीजिएगा, इमली को चूल्हे पे पकने रख दीजिएगा। उसमें जब उबाल आएगा तो उसके अंदर 2 चाय के चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर, आधी चाय का चम्मच नमक, और तकरीबन आपने इसके अंदर गुड़ या ब्राउन शुगर डाल देनी है 2 खाने के चम्मच भर के। उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। अगर आपको लगे वो पतली तो बेशक 1 चाय का चम्मच कॉर्नफ्लोर घोल के डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको अलग से रख दीजिएगा। ज़ीरा, साबुत धनिया, अजवाइन और कुटी हुई मिर्चें, ज़ीरा आपने 1 चाय का चम्मच, अजवाइन 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 2 खाने के चम्मच, इनको आपने क्या करना है, तवे पे भूनकर इनको बारीक पीस लीजिएगा, और साबुत धनिया भी पीस कर गोल मिर्चों को आपने उसके अंदर मिक्स कर देनी है। और उसके बाद आप उसको ठंडा करके बॉटल में भर के रख दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी ये जो चटनी है वो तैयार हो जाएगी, और आप इसको इन्जॉय कर सकते हैं। अच्छा ये देखिएगा, ये इस तरह से थोड़ा सा इसके अंदर चीनी का और दाना है, वो अच्छी तरह मैं चाह रही हूँ मिक्स में ही निकल चुका है। अच्छा बस अब ये जाएगा ट्रे के अंदर, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फैला कर इसको रख देंगे ताकि थोड़ा सा ये जम जाए, उसके बाद हम इसके पीसेस कटिंग कर लेंगे। तो ये जा रहा है ट्रे के अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। ये इस तरह से हम इसको फैला देते हैं, फौरन आपने फैलाना है ताकि इसके पीसेस आप कटिंग कर सके। और इतनी देर में हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वापस आ गए हम, 50 ग्राम पिस्ते, 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम खशखाश, 50 ग्राम तो तड़का ब्रेक से वापस आ गया, मैं नीचे गई हुई थी।
چلیں جی اس کو میں رکھتی ہوں برو کو وہاں پر, اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ایک سرپرائز ڈش کی طرف, جو میں نے کہا تھا کہ ہم بنائیں گے سرپرائز ڈش کیا ہوگی وہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں. ٹھیک ہے, فی الحال تو میں نے اس کو یہاں صاف کر دیا تھوڑا سا, اور اس کو میں رکھ دیتی ہوں وہاں پہ, تھوڑا گرم ہے, خیر کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے پھر ہم اس کو نکالیں گے, یہ جائے گا اس کے اوپر. ٹھیک ہے, اور اگر پیسز ابھی بھی آپ کرنا چاہیں تو تھوڑا سا ہی گرم ہوتا ہے, ٹھنڈا گرم, تو اسی میں ہی آپ نے اس کے پیسز کٹنگ کرنے, ورنہ ویسے بھی آپ رکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں, اچھا جی, ثنا کے, ثنا ہے دبئی سے, جن کے ڈیڈی کی آج برتھ ڈے ہے, اور میری طرف سے, میری پوری ٹیم کی طرف سے ان کو بہت بہت مبارک ہو. ٹھیک ہے ثنا, اچھا چلے اب آ جاتے ہیں ہماری جو ایک سرپرائز آپ کو کہا تھا ریسیپی, جس کو میں نے کہا تھا لیمن چکن ہم بنائیں گے, اور اس کو بنانے کے لیے ہمیں کیا چیزیں چاہیے ہوں گی آپ نوٹ کر لیجئے گا, اور بہت ہی سمپل فٹافٹ جھٹ پٹ بننے والی یہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, الطاف بھائی وہ دبئی میں جو پوپی سیڈ کا جو خسخاس کا ہے اگر نہیں وہ مل رہی ہے تو میں نے ویسے کسی سالن وغیرہ میں جیسے میں نے کہا تھا تو اس کی جگہ آپ بادام یا کاجو کا مطلب پاؤڈر فارم میں بنا کے آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں ہے نا, اقبال پوچھ رہی ہیں انہوں نے کہا ہے تو میں نے یہی کہا تھا کہ آپ اگر آپ کو نہیں وہاں پہ خسخس ملتی ہے تو آپ اس کی جگہ بادام کا یا اس کا پاؤڈر لیں, اور ابھی جو ابھی ورو میں جو میں نے ڈالا ہے تو اگر آپ کو جب بھی نہیں مل رہی ہے تو کوکونٹ لے لیں اس کی جگہ, تھوڑا سا آپ اس کو وہ کرنے کے لیے, تو یہ آپ کر سکتے ہیں. اچھا چلے جی, تھینک یو سو مچ عذرا انعام نے میرے شو کی اور ریسیپیز کی تعریف کی, چلے جی تھینک یو سو مچ, خوش رہو جی. اور آ جاتے ہیں ہم اس کی طرف جو ہماری ایک سرپرائز ریسیپی ہے جس کو میں نے کہا تھا کہ ہم بنائیں گے لیمن چکن, اور اس کے انگریڈینٹس اور چکن کتنے گیا, یہ رہا, تھوڑا سا ہم پانی اس کو تھوڑا سا ایک دفعہ میں واش کر لیتی ہوں, اس لیے کافی دیر سے یہاں رکھا ہوا تھا. یہ دیکھیں جی, یہ دیکھیں, اچھا جی چلیں جی انگریڈینٹس نوٹ کر لیجیے گا, لیمن چکن کے لیے ہم کیا چیزیں استعمال کریں, ایک کلو آپ نے چکن لے لینا ہے, ایک کلو آپ چکن لے لیجیے گا, اس کے اندر جو مسالے ڈالنے ہیں آپ دیکھ لیجیے گا, میرے پاس لہسن کا پیسٹ ہے, لہسن کا پیسٹ ہم لیں گے ایک کھانے کا چمچ, نمک ہم اس میں لیں گے تقریباً ایک چائے کا چمچ, ہلدی آدھی چائے کا چمچ, اس کے اندر میرے پاس کالی مرچ موٹی کٹی ہوئی ہے ایک کھانے کا چمچ, مکھن آپ نے لینا ہے 100 گرام, اور لیمن آپ سلائس میں کٹنگ کر کے لے لیجیے گا 2 عدد, اور آدھی گڈی آپ نے لینا ہے ہرا دھنیا. ٹھیک ہے, اور ٹماٹر ہم لیں گے 3 عدد, اس کو بھی ہم سلائس میں کٹنگ کر لیں گے, اور اس کے ساتھ ہم نے لینا ہے 1 ٹیبل اسپون کتنا آئل. یہ بہت جلدی فٹافٹ بننے والی ریسیپی ہے, اب اس کو میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہم نے کیا کرنا ہے. چکن کے اندر